हेलो फ्रेंड्स, श्री गणेश भोग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे मिर्ची वड़ा। तो फ्रेंड्स, आज हम जोधपुरी स्टाइल से मिर्ची वड़ा बनाएंगे। ये मिर्ची वड़ा बहुत ही टेस्टी होता है और ये मिर्ची वड़ा तो सभी को बहुत पसंद आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं मिर्ची वड़ा बनाना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल ली है और इसमें मैंने डाला है 2 कप बेसन। बेसन को मैंने छान लिया था और अब हम इसमें डालेंगे मिर्ची पाउडर। तो मैंने यहाँ पे आधा चम्मच मिर्ची पाउडर ली है और इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। नमक हम अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे और इसमें हम डालेंगे अजवाइन। तो मैंने यहाँ पे 1/4 चम्मच अजवाइन ली है। तो अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा, इसे हम मीठा सोडा भी कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1/4 चम्मच से कम लिया है। अब हम बेसन को अच्छे से मिला लेंगे ताकि मसाले हैं वो बेसन में अच्छे से मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स, बेसन को हमने अच्छे से मिला लिया है और अब हम इसमें पानी डाल रहे हैं। तो पानी हम एक साथ में नहीं डालेंगे, तो इस तरह से डालने से बेसन में गांठें नहीं पड़ेगी। तो हम ज़रूरत के हिसाब से पानी और ले लेंगे। तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और मिला रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमें बेसन का सॉफ्ट घोल तैयार करना है। ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रहना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं रहना चाहिए। तो हमें स्मूथ घोल तैयार करना है। तो ये देखिए, हमारा जो घोल है वो तैयार है। तो हमें इस तरह का घोल रखना है। तो फ्रेंड्स, घोल हमारा तैयार है और अब हम स्टफिंग तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 8 उबले हुए आलू लिए हैं और इसे हम हाथों से मैश कर लेंगे। आलू को हम पूरी तरह से मैश नहीं करेंगे। तो देखिए, हमें इस तरह से आलू को मैश करना है। तो आलू हमने अच्छे से मैश कर लिए हैं और अब हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें मैंने डाला है 1 बड़ा चम्मच तेल और इसमें मैंने डाला है जीरा 1/2 छोटा चम्मच, 2 चुटकी जितना मैंने इसमें हींग डाला है। और अब हम इसमें डाल रहे हैं 7 से 8 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च को तेल में हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक। और अब मैंने इसमें डाले हैं 2 बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को भी हम तेल में अच्छे से मिला लेंगे। प्याज को हम ज़्यादा देर तक नहीं भूनेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे मैश किया हुआ आलू और अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। मैंने 1/4 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डाला है, लाल मिर्ची पाउडर 1/2 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला और अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। आलू को हम 5 से 6 मिनट तक धीमी आंच पे पकाएंगे ताकि मसाले हैं उनका कच्चापन भी निकल जाए और मसाले अच्छे से मिक्स भी हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और फिर से इसे अच्छे से मिला लेंगे। गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। तो स्टफिंग हमारी तैयार है और अब हम लेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च को हमने अच्छे से धो लिया था और इस तरह से बीच में कट लगा देंगे। अगर आप बीज निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, मैं इसके बीज नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि इस मिर्च में तीखापन बहुत कम होता है और बीज निकाल देंगे तो बिल्कुल भी इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो हम इसके बीज नहीं निकाल रहे हैं। तो हमने सारी मिर्च को कट लगा दिया है और अब हम इस तरह से इसमें मसाला भरेंगे। तो मिर्च को हम इस तरह से कर लेंगे और इसके अंदर हम इस तरह से पूरा मसाला भर देंगे। तो हमें इस तरह से दबाते हुए इसमें मसाला भरना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने मसाला है अच्छे से भर दिया है और हमने सारी मिर्च में भी इस तरह से मसाला भर के तैयार कर लिया है। तो मिर्च हमारी तैयार है और अब हम घोल के अंदर मिर्च को इस तरह से डिप करेंगे
ताकि घोल है वो अच्छे से मिर्च के ऊपर लग जाए। और मैंने तेल गरम करके रखा है, इसमें हम मिर्ची डाल देंगे। तो मैं इस कढ़ाई में 3 मिर्ची फ्राई कर रही हूँ। तो गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। तो लगभग 5 से 7 मिनट हमें इसे फ्राई करना है। तो फ्रेंड्स, हमारी मिर्ची है वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है। ये देखिए, हमारा मिर्ची वड़ा बहुत ही अच्छा बना है। तो हम इसे तेल से निकाल लेंगे। तो ये देखिए, हमने तेल से निकाल लिया है, बहुत ही अच्छा मिर्ची वड़ा बना है। तो फ्रेंड्स, मैं एक मिर्ची वड़ा काट के दिखा रही हूँ। ये देखिए, अंदर में स्टफिंग बहुत ही अच्छे से हुई है। तो फ्रेंड्स, हमारे मिर्ची वड़ा है वो बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप भी इसे एक बार ज़रूर बनाइए और आप अपनी राय मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, मेरे अगले वीडियो की जानकारी आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।